हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का बीएस रिव्यूज में। आज हम लोग रिव्यू करेंगे एमएक्स प्लेयर की वेब सीरीज रामयुग को, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। तो चलिए शुरू करते हैं। तो रामयुग ये वेब सीरीज आज ही एमएक्स प्लेयर पर रिलीज हुई है। इस सीरीज में टोटल 8 एपिसोड हैं और हर एपिसोड 30 से 42 मिनट के बीच का है। अगर हम इसकी कहानी की बात करें तो इस सीरीज की कहानी के बारे में बात करना भी बेवकूफ़ी होगी, क्योंकि हिंदुस्तान में शायद ही ऐसा कोई इंसान होगा जिसको रामायण के बारे में नहीं पता होगा, क्योंकि ये हिंदुस्तान की संस्कृति है। तो मुझे तो नहीं लगता कि इस सीरीज की कहानी के बारे में बात करनी चाहिए, लेकिन हम इसके स्क्रीन प्ले और बाकी डिटेल्स की बात ज़रूर कर सकते हैं, क्योंकि मैंने रामचरितमानस पढ़ रखी है और इस सीरीज को देखने के बाद मैं ये कह सकता हूँ कि इस सीरीज के मेकर्स ने कुछ ज़्यादा ही क्रिएटिव लिबर्टी ली है, जिसके कारण कुछ कॉन्ट्रोवर्सी भी क्रिएट हो सकती है। चाहे वो राम लक्ष्मण सीता के कॉस्ट्यूम को लेकर ही क्यों ना हो, लोग इन चीज़ों से भी ऑफेंड हो सकते हैं, क्योंकि इन तीनों के कॉस्ट्यूम का रंग भगवा नहीं है। और जहाँ तक बात है क्रिएटिव लिबर्टी की, तो इस सीरीज में काफ़ी सारी क्रिएटिव लिबर्टी ली गई है, जिसके कारण मैं आप सभी से बोलना चाहूँगा कि अगर आप इस सीरीज को देखने का फैसला ले रहे हो तो प्लीज़ अपने दिमाग का उपयोग करना और इस सीरीज को एक सीरीज की तरह ही देखना। चलो इसके स्क्रीन प्ले पे आते हैं। तो इस सीरीज के स्क्रीन प्ले ठीक ठाक ही है, क्योंकि कई चीज़ें सीरीज में इस तरह से लिखी गई हैं जिन पर विश्वास करना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। और जिस तरह से ये सीरीज स्टार्ट होती है और अपनी पूरी दुनिया को क्रिएट करती है, उसे भी इतने ज़्यादा अच्छे से नहीं लिखा गया कि हमारा उस दुनिया के साथ कनेक्शन बिल्ड हो पाए और हमें ऐसा लगता है कि इस सीरीज में कुछ तो मिसिंग है। और फिर जिस तरह से ट्विस्ट एंड टर्न्स आते हैं, इन्हें भी इतने अच्छे से बिल्डअप नहीं किया गया कि कोई भी ट्विस्ट हम पे किसी भी तरह का कोई इम्पैक्ट छोड़ पाए, जो कि काफ़ी बुरी बात है। और जहाँ तक बात है कैरेक्टर डेवलपमेंट की, तो प्लीज़ किसी भी कैरेक्टर को रियलिटी के साथ कंपेयर मत करना, वरना आपका दिमाग खराब हो जाएगा। और इस सीरीज में सभी कैरेक्टर्स को काफ़ी बेसिक लेवल तक ही डेवलप किया गया है। हमारा किसी भी कैरेक्टर के साथ कोई भी इमोशनल कनेक्शन बिल्ड नहीं हो पाता और जो कैरेक्टर्स के बीच के डायनामिक्स हैं वो भी बस ठीक ठाक ही हैं। और अगर हम एक्टिंग की बात करें तो सभी एक्टर्स ने काफ़ी ज़्यादा ट्राई करा है कि वो अच्छा काम करें और उन्होंने किया भी है, लेकिन फिर भी कोई भी एक्टर हमें उनके कैरेक्टर के साथ कन्विंस करने में कामयाब नहीं हुआ है, जो कि काफ़ी ज़्यादा डिसअपॉइंटिंग है। और अगर हम डायरेक्शन और एडिटिंग की बात करें तो डायरेक्शन तो इस सीरीज का काफ़ी ख़राब है। मतलब डायरेक्टर इस सीरीज को बनाते समय क्या सोच रहे थे वो तो वही बता सकते हैं, क्योंकि वो किसी भी डिपार्टमेंट को ढंग से हैंडल नहीं कर पाए हैं। और जो एडिटिंग है वो भी बस ठीक ठाक ही है। और अगर हम प्रोडक्शन क्वालिटी की बात करें तो VFX को छोड़कर प्रोडक्शन की सभी चीज़ें काफ़ी ख़राब है, चाहे वो मेकअप हो या फिर कॉस्ट्यूम। इससे ज़्यादा मैं इस सीरीज के बारे में बात नहीं कर पाऊंगा। तो ओवरऑल मैं यही बोलना चाहूँगा कि ये काफ़ी ख़राब वेब सीरीज़ है, जिसमें बस रामायण का सत्यानाश किया गया है। और अगर आप इस सीरीज़ को रियलिटी से कंपेयर करने चले गए तो आप तो पागल ही हो जाओगे। तो मैं तो इस सीरीज़ को बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करूँगा। लेकिन अगर आपको रामायण पे बना कोई शो देखना ही है तो आज कलर्स पर शाम 5:30 बजे रामायण आएगी, आप वो देख लेना। लेकिन फिर भी अगर आप इस सीरीज को देखना चाहते हो तो आपको कौन ही रोक सकता है। और अगर आपने ये सीरीज देख लिया तो मुझे कमेंट्स में जरूर बताना कि आपको ये सीरीज कैसी लगी। और अगर आपको वीडियो से रिलेटेड कोई सजेशन या शिकायत करनी हो तो भी आप हमें कमेंट्स में बता सकते हैं, या फिर हमें इंस्टाग्राम और ट्विटर पर फॉलो कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और अपने दोस्तों में ये वीडियो शेयर कर देना। मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।